व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल। आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस 3x3 क्यूब को डिसअसेंबल कैसे कर सकते हो और असेंबल कैसे कर सकते हो। सो चलते हैं आज के वीडियो पे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको डिसअसेंबल कैसे कर सकते हो। चलते हैं, अभी डिसअसेंबल बताता हूँ। सबसे पहले गाइस, आपको ये टॉप वाली जो लेयर है इसको 45 डिग्री घुमाना है और फिर आपको कॉर्नर्स को दूर करना है और ये एच पीस है इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से घुमा देना है और ये निकल जाएगा। और अगर आपका ये एच पीस ऐसे है और अगर आप ऐसे ट्विस्ट करो निकले ना और टाइट लगे आपको, तो थोड़ा लूज कर लेना स्क्रू ड्राइवर से, क्योंकि गाइस एच पीस टूट सकता है। और कॉर्नर से नहीं निकालना, कॉर्नर का ये पार्ट भी टूट सकता है। मतलब डायरेक्टली एच पीस निकालने की जगह ऐसे कॉर्नर नहीं खींचना। मैं तो निकाल सकता हूँ, देखो गाइस, मेरे को मैं तो और क्यूब भी खरीद लूँगा, बट आपका क्यूब वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। मैं तो और भी खरीद सकता हूँ बट आपका नहीं होना चाहिए ख़राब, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे को ये भी पता है आप लोग भी और ख़रीद सकते हो, बट फिर भी ना ख़राब हो तो अच्छा। सो अभी इसको एच पीस निकालेंगे, इसको साइड में रखते हैं, फिर ये दोनों पास पास वाले कॉर्नर निकालेंगे बिल्कुल आराम से। ज़्यादा टाइट है तो पहले ही बता रहा हूँ, लूज कर लीजिएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा कर करके डिसअसेंबल होने लग जाएगा। आप इसको डिसअसेंबल ऐसे कुछ कर सकते हो, ये ऐसे डिसअसेंबल हो जाएगा थोड़ा। मतलब ऐसे करो, गाइस एच पीस ही नीचे गिर गया मेरा, रुको गाइस मैं उठाता हूँ, गाइस स्टैंड को पीछे करता हूँ। और गाइस, मैंने जैसे कि कहा था कि आज व्लॉग आएगा बट नहीं आ पाया, क्योंकि गाइस जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था गाइस, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बाइक वाले के साथ भिड़ गया और पैर में अब फ्रैक्चर है। सो गाइस नहीं ला पाया। बाय द वे, अभी चलते हैं असेंबल करने पर। सबसे पहले गाइस, आप इसको कोर को पकड़ लेना है, इस कोर को पकड़ लो और कोई भी एच पीस ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ ऑरेंज वाला और वाइट वाला। इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा जोर लगा के ऐसे अटैच कर सकते हो तो ये लग जाएगा। अब हमें अगला स्टेप है, यहाँ वाला एच पीस लगाना है। यहाँ पर कौन सा एच पीस लगेगा? ब्लू और वाइट का। तो हम इसको कुछ इस तरीके से इसको इस पर थोड़ा नीचे से वो देंगे, सपोर्ट देंगे और फिर इसको लगाएंगे जिससे सपोर्ट रहे। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर जो कॉर्नर आना होगा वो देखेंगे। यहाँ पर कॉर्नर आना है ब्लू ऑरेंज और वाइट का, तो ये रहा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्लाइड कर देंगे, हम इसको नीचे रखते हैं, स्लाइड कर दिया। अभी इसको सारे पीसीस को एक बार साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एच पीस कौन सा लगेगा? ये वाला ऑरेंज एंड ब्लू। इसको भी कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देंगे और आपका फिर एक ये ब्लॉक बन जाएगा 2x2 की तरह। देख सकते हो आप, जैसे ही 2x2 की तरह ब्लॉक बन जाएगा। फिर आप इस, आपको ये वाला एज लगाना है। अब नेक्स्ट आपको ऐसे ही ब्लॉक्स बनाने हैं। अब ये वाला एज लगाना है, यहाँ पर आएगा रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ये रहा। इसको लगा देंगे, फिर यहाँ का कॉर्नर लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा कॉर्नर आना देखेंगे, ब्लू और रेड और वाइट। इसको स्लाइड कर देंगे, लग गया। अब इसका एज पीस ढूंढेंगे, ब्लू और रेड, ये रहा। इसको हम लगा देंगे, स्लाइड कर देंगे। आपका अब इतना ब्लॉक बन चुका है। इसको टर्न मत करके देखना, अगर आपका नॉन मैग्नेटिक है तो सारा खुल जाएगा। सो अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। अब हम लगाएंगे ये एज पीस, ये कुछ इस तरीके से आराम से स्लाइड कर देंगे। मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर से लगाया कुछ इस तरीके से और नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया और ये आपका लग जाएगा। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पीस लगाएंगे, यहाँ पर आएगा रेड ग्रीन और वाइट का, लग गया। अब इसका एज पीस लगाएंगे, ये रहा एज पीस लगा देंगे। अब ये लास्ट रह गया, अब यहाँ पर कॉर्नर लगाएंगे पहले, फिर एज पीस लगाएंगे और हमारी दो लेयर बिल्ड हो चुकी हैं। एक साथ हमने दो लेयर बिल्ड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें
सबसे पहले कोई भी एक एच पीस उठा लेना टॉप लेयर का, और हमें ऐसे कुछ इस तरीके से स्लाइड करके लगा देना है। फिर हम लगाएंगे ये साथ साथ वाले कॉर्नर्स कुछ इस तरीके से। ये कॉर्नर यहाँ आएगा क्योंकि रेड इस साइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉर्नर। घुसाता हूँ, ये घुस गया। अब इसको थोड़ा 45 डिग्री पे के एंगल पे सेट करेंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्नर लगाएंगे जिससे वो इजीली लग जाएगा। अब यहाँ पर एच पीस देखें, यहाँ पर एच पीस आना येलो और ऑरेंज का, वो उठाएंगे और कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब आगे ये दूसरा एच पीस रेड और ब्लू, रेड और येलो वाला, इसको भी स्लाइड करेंगे। थोड़ा देख के करना, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। और अब आगे हमारा लास्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। सबसे पहले हमें एक कॉर्नर पीस उठाना है, कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। अब दूसरा कॉर्नर पीस उठाना है, वो भी लगा देना है, और फिर इसको 45 डिग्री के एंगल पे ही रखना है और थोड़ा कॉर्नर को थोड़ा दूर करना है और इसको थोड़ा एच पीस को घुमा के लगा देना है, और आपका क्यूब असेंबल हो चुका है। अरे यार काफ़ी रफ हो गया, मेरी टेबल पे मिट्टी हो रही है एक्चुअली। ऐसा करते हैं इसमें ल्यूब डालते हैं, मेरा ल्यूब। हाँ गाइस, मैंने सिरिंज में भर रखा, इजी रहता है क्योंकि मेरा बॉटल में आया था GM ल्यूब है। बस हो गया, GM ल्यूब काफ़ी फास्ट ल्यूब है। अब मैं इसको कम से कम 1.5 साल से चला रहा हूँ और अब तक चल रहा है मेरा। सॉल्व। सो गाइस आज के वीडियो में गाइस इतना ही था, अब चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। सो बाय बाय।